ने रिसालत के खिलाफ शियाने कराची का फ्रांसीसी सिफारतखाने तक एहतजाज। सिलात के मुताबिक फ्रांसीसी सदर की ईमा पर तौहीन रिसालत हजरत मोहम्मद के खिलाफ कराची में ISO की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली का आगाज़ नुमाइश चौरंगी से किया गया, जो मार्च करती हुई कराची क्लिफ्टन में मौजूद फ्रांसीसी सिफारतखाने के करीब 3 तलवार के मकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में हज़ारों मर्द, बुजुर्ग, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जो लब्बैक या रसूल अल्लाह के परचम थामे हुए थे। रैली से मजलिस वहदत मुस्लिमीन के मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मौलाना अहमद इकबाल रिजवी, मौलाना सादिक तकवी, मौलाना हामिद हुसैन मशदी और पयाम विलायत फाउंडेशन के मरकजी रहनुमा ब्रादर असलम ने खिताब किया। मुकर्ररीन ने फ्रांसीसी सदर की जानिब से तौहीन रिसालत की भरपूर मजम्मत की और इसे आलमी साजिश करार दिया। रैली के अख्ताम पर मुंतजमीन के एक वक्त ने फ्रांसीसी सिफारतखाने जाकर मजम्मती याददाश्त जमा कराई। इस मौके पर शुरका ने गम गुस्से का इजहार करते हुए फ्रांसीसी परचम को नजर आतिश कर दिया। मुहम्मद मुस्तफा बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु